बैंगलोर न्यूज़ स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेंसेक्स निफ्टी जो कि क्रैश हो चुका है फोर्थ स्ट्रेट सेशन के अंदर। देखा जा सकता है करीबन 1% का यहाँ पे गिरावट देखा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा तो रिकवर करेगा, लेकिन देखा जा सकता है फिर से आके सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर यहाँ पर गिरावट नज़र आया और कई सारे लोगों का जो पैसा है वो डूब गया है। देखा जा सकता है कि जो बेंचमार्क है इंडेक्स का सेंसेक्स और निफ्टी, उन्होंने आके यहाँ पे नीचे गिरावट दिखाया करीबन 1% आज के दिन जो कि है ट्यूसडे, और एंड होते होते सारा का सारा जो आप कह सकते हो कि बैंक निफ्टी सेंसेक्स वो सब कुछ आके यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आया। सेंसेक्स ने यहाँ पे करीबन 820 पॉइंट्स गिरा और आके यहाँ पे एंड हुआ है 78,655.18 पैसे के ऊपर यहाँ पे एंड हुआ है। देखा जा सकता है 83,900 तक जो छूता था वो आके सीधा 78,000 के ऊपर आ गया। और आके यहाँ पे अगर हम निफ्टी के बात करें तो निफ्टी आके यहाँ पे करीबन लॉस किया है 257 पॉइंट्स और क्लोज हुआ है 23,883 रुपीज़ पे। अगर हम आके यहाँ पे शेयर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे NTPC, HDFC बैंक, एशिया पेंट्स, फिर आके SBI, टाटा मोटर्स जो बड़े बड़े आके यहाँ पे लूजर्स बन चुके हैं। आप कह सकते हो कि अगर HDFC बैंक गिरा है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ज़रूर गिरेगा, और वैसे ही हुआ, बैंक निफ्टी भी गिर गया अच्छा खासा। और देखा जा सकता है इन्फोसेक्स, सन फार्मा, ये सब आके टॉप गेनर्स थे आज के दिन। अगर आप आके शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका क्या राय है इसके ऊपर, आप आके नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानकारी मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू।